उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफ स्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। यूपी के कौशाम्बी में करारी थाना क्षेत्र के महेंद्र गांव में पैसे के लेन देन में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्ष से एक एक लोगों की मौत हो गई। मारपीट में मृतक महिला के बेटों सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां सभी का इलाज चल रहा है। गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए एहतियातन फोर्स तैनात कर दी गई है। महिला की मौत से कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया कि पैसे के लेन देन में मारपीट हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। मोहन को भेजे तो बोला मैं पैसा दूंगा, थाने में बंद किया सर लोग, उसको परसों बंद किया नर्सों, कहाँ पैसा लेके आ रहा हूँ, नहीं लेके आया। सिंह मोहन अपने दामाद को गुंडा लोगों को जोर के अपने घर में रात में इधर उधर बैठाई थी, और जब आज छोड़े हैं जितनी टाइम वहाँ थाना करारी से कल शाम को, और वो सारा रात भर रहे, सवेरे मारने का जुट बनाए हैं। रास्ता में जा रहे थे मेरा भाई और मेरे बाबूजी, तो गाली दे के बोलता है पैसा दे, उल्टा पैसा मांग रहा, कहानी काट डाल। अब कई कहनी चहटे ये घर तक चहट के लाए, जिसके चहट के लाए तब भरे मेरी माँ को। ये सब लोग इसके दो लड़के थे सिमोहन के, जय सिंह, ज्ञान सिंह, कमल सिंह, और वो क्या कहते हैं उसका दमा हरि सिंह, हरिचंद। ये सब लोग घुटकी में चढ़ के मेरे माँ को खून भुलका लिया, जब तक मान नहीं डाला तब भर छोड़े नहीं हमारे। उसके बावजूद हम लोग जब दौड़े, जब देख पाए तो आए, जब उसके देखे तो ये लोग और मार के हमको, और लोग फरार हो गए और लोग फंसा हुआ। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मनीष है साहब। मेरी माँ को मार डाले दबा के जबरदस्ती, मुझको मारने की कोशिश की, मैंने नहीं मर पाया। मैं घर में डर के अंदर दूसरे घर के इधर गया तो इसका दामाद और दो तीन आदमी बाहर के थे, वो लोग दारू पी के रखे थे, मुझे गाली गलौज किया, बोला इसको पैसा दिया। मैं तो मैं बोला मेरे को पैसा कहाँ दिया, तो आके मुझे गाली गलौज करने लगा। तो घर पे आया, मैं बोला लगता है लड़ाई होगी, तो डंडा लेके घर से बाहर निकला। उतने में उसका दामाद हरिचंद ईंट उठा के मेरे सर माँ की सर पर मार दिया, तो उसका सर पर चोट लग गई। फिर उसकी रामकली और राम सखी ये तीनों औरतें भिड़ के मेरी माताजी को मारी साहेब। अब मारने के बाद और मेरे दोनों भाई को और मेरे बाप को भी घायल कर दिया। मैं मौके वारदात पर पहुंचा तो मुझे भी एक लाठी पड़ी, और ताकि तब ये लोग छोड़ भाग गए। थाना करारी क्षेत्र में मारपीट की एक घटना हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल एडमिट कराया गया था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई इलाज के दौरान, और अन्य लोगों को एडमिट करा दिया गया। अभी सबकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, अन्य कोई कैजुअलिटी की बात नहीं है। मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।